गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट हनीकॉम। लास्ट वीडियो में थोड़े से रह गया था। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषिगेट। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ ओनली द महाबलीपुरम ऋषिकेट। हैव ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। He loved the sound of his own voice very much. Okay? Next, you are the head boy girl in your school. Your school is going to celebrate sports day. On behalf of the principal, draft a notice in about 50 words inviting students to take part in different sport events. Notice. My by English Academy School. यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, गर्ल हो तो गर्ल और बॉय हो तो बॉय।
यही लाइन में, यही लाइन में, और ये लाइन, तीन लाइन कंपल्सरी अलग होनी चाहिए, यहाँ से चालू करना चाहिए। मनीवा इंग्लिश एकेडमी। ओके नेक्स्ट द रैबर। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिस अग्रीज विथ योर और योर फ्रेंड्स और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ द वॉट एवरी वन थिंग्स दे शुड डू। Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the thinking such a person generally does. Now read the poem. क्या कह रहा है कि आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हो जो हर बार आप जिस बात से अग्री हो तो उससे वो डिसअग्री होता है, आपके जिस पे हाँ उसमें उसकी ना ही होती है। आप ऐसा बोलो कि आपको घूमना पसंद है तो वो ऑलवेज ऐसा ही कहे मुझे घूमना पसंद नहीं है। आप बोलोगे मुझे ये खाना पसंद है, वो बोलेगा मुझे ये खाना पसंद ही नहीं है। आप बोलोगे मुझे पढ़ाई पसंद है, वो कहेगा मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति जो हर बात पे आपसे डिसएग्री होता, ऐसा ही कुछ पोएम में दिया है। उस व्यक्ति को बोलते हैं रैबर। व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर द रैबर लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग जस्ट अ फ्यू मिनट। ओके सो आप ऐसे कुछ कोई व्यक्ति को जानते हो जो हर बार आपसे कोई किसी ना किसी बात से डिसएग्री होता हो? अगर हाँ तो आपको पता होगा कि इसको रैबर कहते हैं, राइट? सो फर्स्ट में है व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर द रैबर लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब सब लोग अपने हेयर छोटे रखते हैं तब रैबर क्या करता है, वो अपने हेयर को लंबा रखता है। When everybody has long hair, the rubber cuts his hair short. जब सब लोग अपने हेयर लंबे रखते हैं तब रैबर क्या करता है, अपने हेयर को छोटे रखता है। When everybody talks during the lesson, the rubber creates a disturbance. Sorry. When everybody talks during the lesson, the rubber doesn't say a word. जब सब लोग लेसन जब चलता है तब बातें करते हैं तब वो एक भी वर्ड नहीं बोलता है। When nobody talks during the lesson, the rubber creates a disturbance. जब लेसन कभी चालू होता है तब कोई बात नहीं करता तब ये सबको डिस्टर्बेंस करता है, सबसे मतलब अपोजिट रहने का। When everybody wears a uniform, the rubber dresses in fantastic clothes. जब सब यूनिफॉर्म पहनते हैं तब जो रैबर होता है ना वो फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन के आता है। When everybody wears fantastic clothes, the rubber dresses soberly. जब सब लोग fantastic clothes पहन के आते हैं तब rubber होता है वो soberly dress पहन के आता है। In the company of dog lovers, the rubber express a preference for cats. जब कुछ कंपनी के लोग कुत्ते को पसंद करते हैं तब rubber होता है वो बिल्ली को पसंद करता है। In the company of cats lover, the rubber puts in a good words for dog. जब कंपनियां कैट को लव करती है तब रैबर होता है वो डॉग को लव करने लगता है, उसके बारे में अच्छे वर्ड्स बोलता है, मतलब सबसे अपोजिट ही रहने का, सेम टू सेम नहीं करने का, ऐसा इसमें कह रहे हैं। आफ्टर नेक्स्ट व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेसिंग द सन द रैबर रिमार्क ऑन द नीड फॉर रेन्स। जब सब लोग सन को प्रेसिस करते हैं तब ये उल्टा
रेन को कहता है कि रेन के लिए नीड उसकी जरूरत है, ऐसा कहता है। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबर रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, जब सब लोग बारिश के लिए प्रे करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, तब ये जो होता है वो सन के लिए करता है, मतलब सबसे अपोजिट उल्टा ही होता है। व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग द रेबर स्टेज एट होम एंड रीड अ बुक, जब सब लोग मीटिंग के लिए जाते हैं तब ये रेबर होता है ना वो घर पे बैठ के रीडिंग करता है। व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम एंड रीड अ बुक द रेबर गोज टू द मीटिंग, जब सब लोग अपने घर पे रह के पढ़ाई करते हैं बुक में से देख के, तब ये उल्टा मीटिंग करने जाता है। व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज देन रेबर सेज नो थैंक यू, जब सब ऐसे बोलते हैं कि यस प्लीज तो रेबर क्या कहता है नो थैंक यू, और जब एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू तो रेबर सेज यस प्लीज, इसमें भी उल्टा। बट इट इज वेरी गुड डेट वी हैव रेबर्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन रेबर होना जरूरी है बिकॉज उसके होने से पता चलता है कि कौन सी चीज आप ऐसा सोच रहे हो उससे अपोजिट ऐसा भी हो सकता है, सो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, राइट। दिस पोएम इज कम्प्लीट, आपको ये पोयम इंग्लिश की नोटबुक में 2 times लिखनी है, समझ में आया, इंग्लिश की नोटबुक में आपको ये पोयम 2 times लिखनी है, कितनी बार 2 times लिखनी है, वर्किंग विद द पोयम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो टेक्स्ट बुक का करा रही है वो आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से, द टीचर वुड स्कोल्ड द स्टूडेंट्स हु वुड नॉट बी ड्रेसेस इन द स्कूल यूनिफॉर्म व्हाइल कमिंग टू स्कूल। व्हेन एवरीवन वांट्स अ सनी वेदर व्हाट डज द रेबर वांट मोस्ट, When everyone wants a sunny weather, the rubber wants the rains. If the rubber has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? If a rubber has a dog for a pet, the others are most likely to be cat lovers. Why is it good to have rubbers? It is good to have rubbers because they are different from common people and they teach us to be able to accept and tolerate differences. ओके क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट, व्हाई इज इट नॉट गुड टू बी अ रेबर ऑन वन सेल्फ, इट इज नॉट गुड टू बी रेबर वन सेल्फ बिकॉज सोसाइटी नेवर एक्सेप्ट अ रेबर एंड ऑलवेज क्रिटिसाइज हिज हर बिहेवियर, वुड यू लाइक टू बी अ रेबर, इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट, I would like to be a rebel because a rebel is able to think individually rather than following the herd mentality. However, it is not easy to be a rebel as the rebels are always criticized by society for their different behaviors. Find in the poem an antonyms, a word opposite in meaning for each of the following words. Long, short, grow, cut, quietness, disturbance, sober, fantastic, lost, found. Find in the poem lines that match the following, read both one after the others.
द रेबर रिफ्यूज टू कट हिज हेयर द रेबर लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग ही सेज कैट आर बेटर सो ही पुट्स इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स ही रिकमेंड्स डॉग्स ही हैज प्रेफरेंस फॉर कैट्स ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो सन व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन He is noisy on purpose when nobody talks during the lesson. English की notebook में आपको ये सब लिखना है एकदम अच्छे handwriting से. Next video में हम workbook का करेंगे. I hope so आपको poem समझ में आ गई हो. Rebel मतलब क्या होता है? जो आप लोग always yes में होते हो, agree में, वो always disagree होता है. आपकी हर बात में उसकी ना ही होती है, वो कभी हाँ कहता ही नहीं है. इट इज अ रैबर, इसको रैबर कहते हैं, जो आपसे एकदम हमेशा अलग ही हो, उसकी सोच ही अलग हो, आपसे कुछ भी मैच होता ना हो. आप ये कहो और वो कहे, नहीं ये नहीं, ये ऐसा नहीं, वैसा वो कहता है. हाँ, इसको कहते हैं रैबर. और आप लोगों ने भी देखा ही होगा, ऐसे आपके ग्रुप में भी कोई होगा, सबको डिस्कस करना है कि आपको ऐसा कौन लगता है कि आपके ग्रुप में ऐसा कोई है जो रैबर जैसा हो. आप जो भी चीज हाँ कहता हो उसको ऑलवेज ना ही कहता हो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करते, दैट्स अ रैबर. हो गया क्लियर बेटा सबको? और जरूरी है ऐसा होना, बिकॉज कि अगर हम अपने हिसाब से करके तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है, तो कभी कभी वो भी बराबर है. ओके क्वेश्चन को रीड करके आंसर लिखना, डायरेक्ट कॉपी मत कर देना. ओके समझ में आया? अब पोएम टू टाइम लिखनी है और उसको लर्न भी करनी है, ऐसे सिर्फ कॉपी नहीं करना, लिख के लिखते जाओ और लर्न करते जाओ. पोएम आपको समझ में आ गई? पोएम लिखते जाओ, लिखते लिखते लर्न करते जाओ, उसके बाद लिखना हो जाए उसके बाद देखे भी ना उसको बोलो, मिरर में देख के बोलो. ओके ऐसे इंग्लिश की प्रैक्टिस करो. क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम वर्कबुक, द रैबर वाली पोएम का सारा कंप्लीट कर देंगे. ओके डन. जस्ट सी यू स्टूडेंट्स, डन. सी यू नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक करेंगे.